आपके ऊपर 50 किलो सामान लाद दिया जाए, आप क्या करेंगे? धो दीजिएगा। 50 किलो का सामान लाद देंगे, आप धो पाएगा? रुई में पानी भर गया और वजन आ गया, गधा डूबने लगा, तो उसको निकालने के लिए मालिक क्या किया? डंटा से उसको मारा, बहुत मार मारा, तब जाकर उसको निकाला। तो किसी भी काम में देश चुराई नहीं करना चाहिए। जो काम से जी चुराता है ना, उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। चलिए आज एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है काम से जी नहीं चुराए। क्या नाम है? काम से जी चुराने का मतलब क्या होता है? देश चुराई करना। जैसे मान लीजिए कि आपको जब मम्मी स्कूल जाने के लिए बोलती है और आप सोए रहते हैं, तो मम्मी से बोलते हैं मम्मी तबियत खराब बाजने जाम पड़े, आप क्या करते हैं? देश चोराई करते हैं। कोई पापा बोला कि बेटा हाई काम कर दो, आप लोग काम नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? वो देश चोराई करते हैं। और देश चोराई कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ना लिखने के लिए आपके गार्जियन बोलता है तो आप मन लगा के पढ़िए। कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो आपको मन लगा के सारा काम करनी चाहिए। किसी भी काम में देश चोराई नहीं करना चाहिए। जो काम से जी चुराता है ना, उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। सुनो क्या होता है। एक व्यापारी था। क्या था? व्यापारी था। व्यापारी का मतलब क्या होता है? जो व्यापार करता है, जो सामान खरीदता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यापारी। तो जो सामान खरीद बेच करता है उसे क्या बोलेंगे? व्यापारी। जो दुकान भी किया वो भी व्यापारी कहलाता है। जो बिजनेस कर लिया वो क्या कहलाएगा? व्यापारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? व्यापारी मतलब जो सामान खरीदता है बेचता है, वो सब क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है। देखिएगा, तो एक व्यापारी था जो नमक खरीदने का काम करता था। नमक खरीदता था और नमक क्या करता था? बेच देता था। तो उसके पास एक गधा भी था। देखो इस किताब में उसके पास क्या था? एक गधा भी था, दिखाई दे रही है। तो ये गधे पर नमक लाद के लाया करता था, जाया करता था, ढेर नमक लाद देता था। गधा से चालान नहीं होता था। तो गधा जो था वो नदी से होकर गुजरता था। कहाँ से होकर गुजरता था? नदी से। एक दिन क्या हो गया, गधा के ऊपर नमक लादा गया था, ढेर सारा नमक। अच्छा एक बात बताओ, आपके ऊपर 50 किलो सामान लाद दिया जाए, आप क्या करेंगे? धो दीजिएगा। 50 किलो का सामान लाद देंगे, आप धो पाइएगा? क्या करेंगे? उलट जाएंगे, वही जा जाएगा, उल्टे आप लोग। अच्छा किससे किसके मम्मी पापा भारी सामान धोए हैं? धोए आप लोगों से? नहीं धोए हैं। जानबूझ के धोई वो नहीं करेंगे, मतलब गिर जाएगा, अच्छी यार देगा वही जा। देखो तो जो गधा था उसके ऊपर उसका मालिक बहुत नमक लाद के लाया करता था। गधा सोचता था कि कब हमारा भार उतर जाएगा। एक दिन क्या करता है गधा, देखो नदी से होकर गुजरता है, इसका पैर लड़खड़ा जाता है और नमकवा गिर जाता है नदी में। कहाँ गिर जाता है? नदी में। जब सारा नमक नदी में गिर जाता है तो क्या होता है? गधावा सोचता है कि मतलब वजन सब खत्म हो गया, यानी गधावा सोचता है कि नमक गिर गया तो हमारा पीठ क्या हो गया? खाली हो गया, आराम से चल सकते हैं। तो गधावा रोज एक ही वो काम करता था, जब भी मालिक नमक लेके आता था तो गधावा जानबूझ के नमक गिरा देता था। क्यों गिराता था नमक? ताकि ढेर हमें ढोना नहीं पड़ेगा। तो रोज यही काम करता था गधावा। मालिकवा को शक हो जाता है, गधावा रोज के रोज क्या करता है? जानबूझ के नमकवा गिरा देता है। रोज गधा को लेकर नमक लाद के आता है, गधावा रोज जानबूझ के फिसल जाता है, टंगड़ी निकलता है, नमक सब क्या होता है? गिर जाता है। एक दिन मलिकवा दिमाग लगाता है, मलिकवा क्या करता है? नमक के जगह पर रुई भर देता है। नमक के जगह क्या भरता है? रुई। देखो नमक के जगह क्या भर दिया? रुई भर दिया और पीठ पर लाद दिया। फिर गधावा गया नदी में और फिर क्या हुआ? गधावा फिसल गया। फिसल गया तो इस बार रुई था, रुई जानते हैं पानी खींच लेता है। नमक तो पानी में क्या होता है? मिल जाता है, लेकिन रुई मिलने वाला नहीं। जब वो गधावा नीचे गिरा तो रुईया क्या किया? रुई उसके पीठ पड़ता, रुईया पानी खींच लिया पूरा, और खींचने के बाद भारी हो गया। तो गधावा और क्या हो गया? नीचे जताने लगा। नमक रहता तो पिघल के गिर जाता है, लेकिन रुई था तो रुई में पानी आ गया, जिसके कारण से उसके ऊपर और वजन आ गया, गधावा में और गिरने लगा। तो मलिकवा उसका निकालने के लिए डंटा लाता है, डंटा से मार मार के निकालता है पूरा, निकल बड़ी मार मारता है, तब गधावा जाकर निकलता है। और गधावा दिन से कसम खाता है कि आज के बाद हम देश चोरी नहीं करेंगे, कि मालिक का सामान गिरा देंगे। मालिक को शक हो गया था, तो क्या किया? नमक के जब क्या दे दिया उसको? रुई दे दिया। और रुई लादने से क्या हुआ? जैसे पानी में गया गधा, रुई में पानी भर गया और वजन आ गया, गधा डूबने लगा, तो उसको निकालने के लिए मालिक क्या किया? डंटा से उसको मारा, बहुत मार मारा, तब जाकर उसको निकाला। तो उस दिन से गधा सीख गया कि आज के बाद हम देश चोराई नहीं करेंगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी भी काम में जी नहीं चुराना चाहिए। जो काम में जी चुराता है, मतलब जो देश चोराई करता है, उसको वही मार पड़ती है। गधा को मार पड़ा, गधा देश चोराई ना कर रहा था, जानबूझकर रोज आके क्या कर रहा था? गिरा दे रहा था, रोज गिरा दे रहा था। तो मलिकवा मारा कि नहीं मारा? आप कोई काम धाम नहीं करेंगे पापा के मम्मी के, तो मम्मी पापा क्या करेंगे? आपकी आरती उतारेंगे? हम नहीं, आरती उतारेंगे कि माता बदलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, समझती है? इसलिए मम्मी पापा का बात माननी चाहिए। जो काम करते हैं काम करिए, पढ़ने के लिए बोलते हैं पढ़िए, जो काम करने के लिए बोलते हैं काम करिए। अपने से बड़ों का बात मानना चाहिए। क्या करनी चाहिए? आप लोग मानते हैं? ऐसे है? सब कसम खाओ कि जौन हमारा काम मिलेगा सब काम कर देंगे। देखो माँ बाप का बात और अपने टीचर्स का बात, अपने परिवार का बात हमेशा माननी चाहिए। माँ बाप के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा स्थान होता है, जानते किसका स्थान होता है? कौन बताएगा? टीचर का। माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा स्थान किसी का होता है तो टीचर का ही होता है। इसलिए अपने परिवार में सभी का बात मानिए, अपने मम्मी पापा का बात मानिए, उनकी आदर करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, सब काम करिए। कभी कोनो काम से जी नहीं चुराना चाहिए। कभी कल तो लोग पापा पानी मांगते हो तो नकिया का नहीं भगेता? हमने लियम जा मैं दे दुखाता नकिया था है लोग नहीं पानी देगा तो मारेगा। अच्छा पापा नहीं देगा तो मारेगा, ये कहां से हिंदी सीख ले लो? मारेगा पापा, मारेगा पानी नहीं दूंगा। काम नहीं करेंगे तो कोई भी मारेगा। हम काम बोलेंगे करने के लिए, नहीं करेगा तो क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। पढ़ने के लिए बोलेंगे, टास्क बनाने के लिए देंगे, टास्क नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। क्या करेंगे वो? मारेंगे। ना मारेंगे नहीं, आरती उतारेंगे। तुलन की आरती जानते कैसे उतारेंगे? वो लंबा लंबा हुमाद ले आएंगे एकदम जंजीर चोला, अभी होगा ऐसा नहीं, हुमाद लेके आएंगे और गिराएंगे बढ़िया जंजी का। तो आज से क्या करना है? किसी भी काम से जी नहीं चुराना, सारा काम जो काम मिलेगा उस काम को कर देंगे। करेंगे ना? कसम खा लो तब बोलो कि आज से कोई भी काम मिलेगा कर देंगे। अपने माँ बाप का बात मानेंगे, सभी का बात मानेंगे, सभी का आदर करेंगे। बोलते जल्दी बोलो, भुला गए सबका।
बोलो कि आज से काम करने से पीछे नहीं हटेंगे और खाने में तो और पीछे नहीं हटेंगे। हाँ एक छिपाली के बोल जो एकदम दे गपा 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 खाने तो लड़का कम खाता था नहीं पता है, खाली लड़की खाती है सर। एक बार बढ़ जाएगी सर चाचा को रोटी दो एक बार दो हाथ पे दो रोटी दोनों मुंह में कुछ देखिए सर आदमी नहीं नाको किया लगता है। तो कभी देखो बुआ कभी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, जौन काम मिलेगा जौन मम्मी पापा काम देगा सब काम क्या करना आपको कर देना है।